सो फाइनली गाइस, हम सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। नेहा के चाहने वाले और उसके शुभचिंतक जो नेहा के सारी इंस्टा फैमिली है, सारी यूट्यूबर फैमिली है, जो चाहती थी कि नेहा शादी करे दूसरी, और कौन है जिससे नेहा शादी कर रही है उसकी फ़ोटो अब नेहा ने खुद अपने वीडियो में शेयर कर दी है। जी हाँ, ये छोटी सी क्लिप हम आपको दिखा पा रहे हैं। इसमें जो बैठे हुए हैं, इनका रोका सेरेमनी का फंक्शन चल रहा है, यही है नेहा के, नेहा आशीष तिवारी के होने वाले दूल्हा। तो उनका यह फर्स्ट फंक्शन है जो माता रानी की कृपा से अच्छे से संपन्न हुआ, और इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। नेहा ने खुद बताया है कि इनकी फैमिली की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हम लोगों को, मुझे और नेताशी को, काफ़ी प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, और सब लोग ताशी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मेरी और इनका नाम है सुमित, हाँ जी सुमित महल इनका नाम है। तो इन दोनों की सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है ताशी की, ताशी को देखना, संभालना और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, हम दोनों की सबसे पहली यही रहेगी प्रायोरिटी। और पूरी फैमिली हम लोगों को काफ़ी अच्छे से रखती है, चाहती है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। मम्मी पापा ने तभी, मेरे मम्मी पापा ने तभी मतलब इस फैमिली को हाँ बोला है, शादी के लिए हाँ बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो देखा ही होगा इस फैमिली के अंदर। उन्हें ये लगा होगा कि नहीं, ये हमारी बेटी को खुश रख पाएंगे और ताशी को एक जो पापा का प्यार चाहिए वो दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे, नेहा आपको नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत सारी ढेर सारी बधाई, और माता रानी आपको आपके आने वाले जीवन में ढेर सारी खुशियां भर भर के दे आपको, और जीवन की एक नई शुरुआत हुई है आपकी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, क्योंकि नेहा और ताशी को इस फैमिली ने बहुत प्यार से अपनाया है और बताया है, जैसे कि नेहा ने, कि पहली हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ताशी की ही रहेगी। तो ताशी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक फैमिली को, एक ऐसी फैमिली को जो उसको चाहे और खुश रखे, तो वैसी ही ये पूरी फैमिली है। और फाइनली अब चेहरा रिवील कर दिया है नेहा ने, जी हाँ। तो सारे जो उसके ऑडियंस है काफ़ी खुश है, और ढेर सारी उसको ब्लेसिंग्स मिल रही है, और वो बोल भी रही है, आप लोग मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। और यहाँ पर आप जो छोटा मोटा प्रोग्राम फंक्शन, छोटा मोटा नहीं बोलेंगे, मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी अपना जो है ये सीक्रेटली किया है, मतलब अपने खास खास फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है, खास रिश्तेदारों को बुलाया है, सभी को इनवाइट नहीं किया है। जो भी नेहा के फ्रेंड्स हैं, और उसके काफ़ी यूट्यूब पर बहुत सारे फ्रेंड्स बने हुए हैं, इंस्टा पे फ्रेंड्स मिले हुए, सभी को अभी उन्होंने इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ फैमिली फंक्शन है। तो उन्होंने एक फैमिली फंक्शन किया है छोटा सा, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कुछ कुछ देखो फैमिली ऐसी होती हैं जो मतलब इतना आगे तक सोचती हैं कि नहीं, उनकी बेटी अगर ऐसी कुछ ट्रेजेडी उसके साथ हुई है तो उसको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हो गई ट्रेजेडी तो उसको कुछ आगे नहीं करना है, तो अब वो उससे आगे बढ़कर उसको जीने का हक है, अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो मतलब उसके बारे में सोचा है, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोनों ही फैमिली के लिए मैं तो बोलूँगी, जो लड़के वाले की फैमिली है वो कितनी अच्छी होगी, कितनी रेस्पेक्टफुल फैमिली होगी, कितनी संस्कारी होगी, जो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मतलब ऐसे फैमिली को अपने परिवार में अपनाया है जिसकी दोनों को उसको काफ़ी ज़रूरत थी। तो बहुत ही अच्छा लगा कि नेहा अपने अब ज़िंदगी में कुछ उसको खुशियां मिले। तो यहाँ पर गोद भराई की सेरेमनी अच्छे से कंप्लीट हुई है, और सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस अच्छे से हुआ। तो हम नेहा को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि नेहा अब अपने जीवन में आगे बढ़े। और जस्ट अभी ही नेहा ने थोड़ी देर पहले ही वीडियो डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके देखिए और उसको बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। नेहा बोल रही है खुद, मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं नेहा के साथ में है, और उसके पूरे परिवार के साथ में है, नए जीवन की अच्छी शुरुआत हो। और माता रानी के जो ये चल रहा है नवरात्रा, उसमें आपने करी है तो और ही अच्छी बात है, और आपकी अच्छे सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। माता रानी आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारी खुशियां दे। और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसके पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि नेहा आशीष तिवारी की शायद इनसे पारस ठकराल से शादी होने वाली है, तो वो सारी न्यूज़ गलत है। जैसा कि कुछ वीडियोज़ में आया है कि नेहा की शादी हो रही है, उनका नाम है पारस ठकराल, क्योंकि 6 तारीख को उसका भी रोका होना था और नेहा का भी था, तो सारी न्यूज़ फेक है और सारी गलत है। तो नेहा की जिससे शादी हो रही है उनका नाम है, वो जबलपुर के ही रहने वाले हैं, उनका नाम है सुमित महल, और वो एक बिजनेसमैन है,
और इंस्टा पर भी उनकी आईडी है, उन्होंने अपनी आईडी बना के रखी हुई है, वहाँ पर उन्होंने शो किया है कि वो एक ट्रेवलर हैं, एक बिजनेसमैन हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नेहा को एक बार फिर से। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो नेहा के बारे में, आप यहाँ पर ढेर सारा उसको प्यार लुटाइए, मतलब बहुत खुशी हो रही है नेहा के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। कोई भी ऐसी औरत जो चाहती, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो पर वो आगे बढ़ना चाहती है, तो हम चाहते हैं उसको अपना जीवन जीने का मौका मिले भाई, वो क्यों अपनी खुशियों से मतलब बेदखल रहे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम और फंक्शन रहा वहाँ पर, आपको छोटी छोटी पिक्चर्स और मैंने क्लिप दिखाई यहाँ पर। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।